सर आंखों पे बिठाएंगे, लेकिन जो बदमाश होगा, जो इंसानियत के खिलाफ होगा, जो इस्लामी तरबियत के खिलाफ होगा, उनसे हम सड़कों पे, गलियों पे, कूचों में, छतों पे, जमीन पे, हर जगह हम उनसे हर लिहाज से मुकाबला करने के तैयार हैं और मुकाबला करेंगे। मलीर बार एसोसिएशन की जानिब से अपने एजाज में दिए गए इशाइये से खिताब करते हुए जुल्फकार मिर्जा का कहना था कि मुझे रुख्सत पर भेजने वाले खुद छुट्टी पर चले गए हैं। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस 12 मई और 9 अप्रैल के सानहात पर अज खुद नोटिस कब लेंगे। आज की तारीख में 30-32 मासूम जाने खड़का दें, उसको मेरे ख्याल है सजा उस वक्त मिल जानी चाहिए। तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर इत्तला'आत शर्जील मेमन का कहना था कि कराची में खून की होली खेली जा रही है, जिसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कि दहशतगर्द अगर ये समझते हैं वो किराए के दहशतगर्द, कि वो किसी भी बहाने से अच्छी बातें करके, अच्छे दलाइल देकर, अगर वो कोई अपने आप को मासूम साबित करेंगे तो वो मासूम नहीं होंगे। शर्जील मेमन का कहना था कि गुज़िश्ता दिनों में कराची से 100 से ज़ायद दहशतगर्द गिरफ्तार किए हैं और जल्द शहर में अमन कायम करने में कामयाब हो जाएंगे।